कुछ 30 मिनट बाद मैं पहुंच गई सिंगल डेकर रूट ब्रिज। 3 मिनट्स मोर। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने नेचर और ह्यूमन आर्टिस्ट्री का इतना स्टनिंग एग्जांपल देखा और मैं इस ब्यूटी को बस देखती ही रह गई। नई एनर्जी के साथ मैं बड़ी डबल डेकर ब्रिज की ओर। कुछ अमेजिंग सीनरी और 2 ब्यूटीफुल आयरन ब्रिजेस क्रॉस करते हुए मैं पहुंच गई डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। ये जर्नी कुछ 1 घंटे की थी। आंखों के सामने ये ब्रिज देख के पहली बार नेचर से इतना क्लोज महसूस हुआ। अब बारी थी वापस जाने की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहां पहुंचना जितना आसान था वापस जाना उतना ही मुश्किल। अब शुरू हुआ असली स्ट्रगल। रास्ते पे अनगिनत ब्रेक्स के बावजूद ये जर्नी इम्पॉसिबल लग रही थी। लोगों को फेंट होते हुए देख मैं थोड़ा नर्वस हो गई। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा मैं आगे ही नहीं बढ़ रही हूँ। चाय ब्रेक, खीरा ब्रेक सब ले लिया, लेकिन मेरा फेस लाल से नीली पड़ रही हूँ मैं। नहीं होगा यार। कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का। फिर सोचा अगर मैं ऊपर नहीं पहुंची तो ये व्लॉग कैसे बनेगा। कुछ भी बोलो, ये जर्नी वर्थ तो थी। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करना। बस गई।